दाई कहाँ है दाई है हाय तू गाय पकड़ने जा रहा है गाय ओए गाय इसकी धरा गाय छोड़ इधर पीछे चिपक पापी हाँ पापी पापी इधर बैठेगा पापी पापी है बेटा ये क्या यहाँ तो देख वहाँ देख यार वहाँ देख ये गजब पापी मतलब तू तो खाली अपने पीठ आगे पीछे की रख रहा था घूम ही रहा है काफी चेंज हो गया है यार देखो पहले का जो आपने देखा था व्लॉग हमारा चौखंबा कैंप साइट का उसमें आपको कुछ ऐसे ट्रीज वगैरह नहीं दिख रहे होंगे हवा भी काफी अच्छी चल रही है भाई एक आदमी को हमने काम सौंप दिया है कि वो ड्रीम इलेवन में अपनी टीम लगाए और प्रथम स्थान प्राप्त करके कुछ पैसा कल ऊपर हमारे खर्च करने के लिए और कमा ले क्यों आशीष जी बन गई टीम जी गुरु जी तो संभवतः आपने वही टीम नहीं ली होगी जो मैंने बनाई है गुरु जी ऐसी टीम बनाई है कि आप लोग जानते ही हैं भाई का नेचर तो इस समय साथियों हम थोड़ा सा ऊपर को चल रहे हैं और ऊपर से व्यू देखेंगे चौखंबा का कैसा दिखता है बहुत बढ़िया कैंप साइट है यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं पहले जब मैंने बहुत पहले एक साल शायद हो गया उसको डेढ़ साल तब मैंने ये डाला था इसका व्लॉग वो तब इतना बढ़िया ये ग्रीनरी नहीं थी मतलब स्टार्ट ही कर रहे थे लॉकडाउन ना लॉकडाउन जैकेट में थे हम लोग जैकेट में थे दिसंबर की बात थी लॉकडाउन खत्म हुआ था और काम बहुत ज्यादा था नहीं तो हमने इन्वेस्टमेंट करी नहीं थी हाँ उतना इन्वेस्टमेंट थी लेकिन इतना नहीं था ये कहना मतलब ग्रीनरी नहीं थी इतनी तो ये ग्रीनरी अब यहाँ पे काफी अच्छी है मेरे को लगता है ऊपर चलते रहेंगे तो और अच्छा दिखेगा अभी अब नजदीक से भी दिखाते हैं चलिए आपको जबरदस्त हवा है देखिए क्या खा रहे हैं सर हिसालू यार हिसालू पहाड़ी बेरीज है स्ट्रॉबेरी टाइप मान लो इसको यार है ना बहुत टेस्टी होती है जंगली होती है तोड़ के खाइए एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है ये काफी फायदा देखिए काफी हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है तो हमारे पूरा झाड़ उसी का ही है ये अब क्योंकि अभी तो इतनी पकी नहीं है तो मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूं ये टॉप व्यू है तो काफी ऊपर इस समय मुझे चढ़ के जाना पड़ रहा है पहाड़ में हालांकि थकाई से मेरे हाल खराब है क्योंकि तो आप देख सकते हैं नीचे काफी बढ़िया दिख रहा है और चढ़ाई में जाना पड़ रहा है देखिए ऊपर को अगर आप देखते हैं तो कितनी चढ़ाई है अभी वहां जाना है मैंने ये वहां जाना है हमने अभी ऊपर का जो है इसका टॉप व्यू अगर आप लेंगे बर्ड आई व्यू जिसको बोलते हैं उसके लिए ऊपर जाना है और मेरे साथ इस समय दिक्कत ये है तकरीबन एक साल बाद मैं आज सुबह वॉक पे चला गया था और वहां थोड़ी एक्सरसाइज कर ली तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल जवाब दे चुके हैं इस उम्र में इतनी मेहनत ठीक नहीं लेकिन ऊपर तो जाना ही पड़ेगा देखिए ये कितनी बढ़िया यहाँ पे ये बेरीज हो रही हैं काफी हम बचपन में इसको खाया करते थे नैनीताल वगैरह में बहुत हुआ करती थी और देखिए यही जो बेरीज हैं बेसिकली इस जगह को बनाती हैं एक बर्ड का सेंटर तो बर्ड्स यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ पे काफी आती हैं इन चीजों को खाने के लिए क्लाइमेट उन्हें सूट भी करता है और कभी अगर बर्ड वॉचिंग भी किसी ने करनी हो इंटरेस्टेड हो तो ये बढ़िया लोकेशन हो सकती है आपके लिए चौखंबा कैंप साइट ये जो रास्ता ऊपर से दिख रहा है ना साजी ये थोड़ी सी पगडंडी जैसी दिख रही है ये बेसिकली जो आपकी कैंप साइट में उतर रही है ये ऊपर को पीछे को जाके बिड़ला चले जाता है का रास्ता अच्छा ऊपर चढ़ते रहिए बिड़ला चुंगी पहुंचेगा ये देखिए कितनी बढ़िया इस समय हवा यहाँ पे चल रही है लग रहा है आपका ये देखिए आज 18 अप्रैल है और काफी इतनी बढ़िया हवा यहाँ पे चल रही है ऊपर आप पेड़ों को देखिए क्या पेड़ झूम रहे हैं इस हवा से
वहाँ देखो अंदर देख दो पेड़, क्या बात है। ये देखिए कहीं प्लेन साइड रहते हैं तो आपके लिए तो स्वर्ग है ये जगह। तो देखिए एंट्रेंस पे ही अभी इन्होंने ये लगाया हुआ है देवदार, देवदार का पेड़ है, सीड्रस देवदारा बॉटनिकल नेम इसका होता है। और हम एंट्री कर रहे हैं अब चौखंबा गेम साइट में। अंदर जाते ही जैसे ही मैं घुसा हूँ, वाह क्या नज़ारा, ये देखिए क्या बढ़िया। ये तो क्यूप्रेसेस की कोई स्पेशीज लग रही है सर, गोल्डन सैप्रस है ये, सुंदर लग रहा है, वेरी गुड। अच्छा ये अखरोट आएंगे इसमें ना, अखरोट की भी खेती होगी अब चौखंबा में। अच्छा ये मैपल तो बड़े, इतने सारे मैपल कहाँ से लाए हैं भाई? ये देखिए मैपल की ट्री है, वेरी गुड। अभी लगाए हैं ये, वो है ये गुलमोहर, गुलमोहर ये तो वो है जो हम हल्द्वानी से लाए थे यार, हल्द्वानी से लेकर आए हैं हम नर्सरी से, ये हमने लगाया ही है अभी। अच्छा एस्कुलस इंडिका है, पांगड़ एस्कुलस इंडिका, साबुन बनता है भाई पांगड़ के, अगर आप सीड्स निकालें बीज निकालें इससे साबुन भी बनता है, बहुत काम आता है। नहीं मैपल तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि मैपल कैसा दिखता है और खूबसूरत भी लग रहा है, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर लगता है ये मैपल। और हवा देखिए कितनी बढ़िया चल रही है यहाँ पे इस समय, आपको लगेगा ही नहीं कि आप गर्मियों में प्रवेश कर चुके हैं और अब कुछ दिनों बाद लगभग 10-12 दिन बाद मई आने वाला है। ऊपर देखिए झूमते हुए पेड़ और नीचे एक बैठा हुआ आदमी जो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, और ड्रीम इलेवन में ये ऐसी टीम बनाने के चक्कर में है कि आज ही 1 करोड़ इसके आते हैं। मेरा एम केवल एक ही है, 3,266,000 रुपए। मैं 3 करोड़ आया ना है लेकिन 266 में जरूर जीतना चाहूंगा। ये हमारे मित्र हैं गोविंद सिंह बिजी, आज इनके बेटे के बर्थडे है तो उसी के उपलक्ष्य में आज चौखंबा आए। अच्छा वैसे अभी तो खुद ही ये बच्चे नहीं, ऐसा तो नहीं है बच्चे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये है बर्थडे बॉय जो इस समय बिल्कुल झूले के मजे ले रहा है, खुश है। ताली बजाओ, हैप्पी बर्थडे। डाइनिंग एरिया काफी कलरफुल, काफी सुंदर, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, जबरदस्त। ये डाइनिंग एरिया है और यहाँ सेलिब्रेशन होगा बर्थडे का, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, काफी स्पेशियस। बार बार कहना ठीक नहीं, पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा स्पेस है और साथ ही साथ मेंटेन बहुत है, बहुत ही बढ़िया। के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आपको लग सकता है, मतलब क्योंकि रूम है थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, और जरूरी भी है अगर इसको हम इस तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं रखते तो इसमें इतनी ठंड हो जाती कि बड़ा मुश्किल होता, तो हल्का सा यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा, 2-3 डिग्री का फर्क यहाँ पे आपको। तो बताएंगे साजी इसमें कैसे यहाँ पहुंचा जाए, अगर मान लीजिए कोई व्यूअर यहाँ आना चाह रहा है हमारा, तो उसको यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जो भवाली की जो डिस्टेंस है वो लगभग 8 किलोमीटर की है, यहाँ से भवाली 8 किलोमीटर है। में एक यहीं का मेन स्टेशन बनता है, वहाँ से अंदर को एक रोड है पूरी इसमें से कि आपका 5 किलोमीटर तो आपकी डामर की रोड है, अब 2-2.5 किलोमीटर का जो है कच्चा है, लगभग वो कच्चा है। अच्छा इसका मतलब आप अगर इसमें हम आना चाह रहे हैं तो हम भवाली से भी आ सकते हैं और नैनीताल से भी आ सकते हैं, बिल्कुल 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 दोनों तरीके से ओपन है। इवन हल्द्वानी से भी अगर आप आ रहे हैं तो वाया भीमताल आ जाइए, वाया गेठिया आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से आ जाए, और जैसे ही आप सैनिटोरियम शायद पहुंचना पड़ता है, सैनिटोरियम पहुंच के अगर आप नैनीताल से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे सैनिटोरियम से भवाली गांव की तरफ एक जगह कटेगी शायद, एग्जैक्टली है ना, तो वहां से आप आ जाएंगे। और अगर आप भवाली से ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे फिर वो हो जाएगा। अभी तो एक्चुअली आपको अभी न्यूज में भी बहुत अच्छा बहुत ज्यादा फ्लैश हो रहा है, ये जो कैंची वाला जो आजकल बहुत ज्यादा, हाँ कैंची धाम बिल्कुल उसके नजदीक है ये। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कैंची में इस बीच बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है और जाम जाम लग रहा है, तो अब इसको पक्का रोड हो गया, डिक्लेयर हो चुका है, सीएम ने डिक्लेयर कर दिया है, तो ये रोड जो है अभी जहाँ पे भी कच्चा जितना ही बचा हुआ है ना 2-2.5 किलोमीटर का, अच्छा ये सब बढ़िया हो जाएगा, तो इसको
मतलब फिर ये बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा क्योंकि रोड हो गई तो फिर तो बाईपास कर रहे हैं ना ट्रेन उसको, क्या नाम आपका है, कैंची को बाईपास कर रहे हैं, कैंची को बाईपास कर रहे हैं, तो राधे घाट से बस सीधे यही रोड बनेगा, यही रूट बनेगा बिल्कुल, तो फिर तो बिल्कुल फिर तो बहुत ही मजे हो जाएंगे। अभी जो 2.5 किलोमीटर का यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रन कह सकते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों के मतलब नहीं डिफिकल्ट रन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि जब आप ट्रैकिंग पे या इस तरीके की चीजों पे आते हैं तो कुछ रन डिफिकल्ट नहीं है, तो नॉर्मल चीज है। मेरा तो लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे रोड होनी चाहिए, मैं तो मेरा अपना ओपिनियन है कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे वही लोग आए जो लोग एक्चुअली इस जगह को पसंद करते हैं, कोई भी आया था वो भी थोड़ा मजा नहीं आता, बट अगर आप जब बिजनेस की बात करते हैं तो सब आए बिल्कुल, सबके लिए ओपन है बिल्कुल, मेहमान नवाजी सबकी बराबर करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल, हम बैठे इसीलिए। अच्छा तो ये बताइए ना जैसे जो यहाँ का आपका टैरिफ है, थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी पता चलना चाहिए कि टैरिफ क्या है कि क्योंकि इकोनॉमिकल होगा तो हर कोई प्रेफर करता है। आपका ये टेंट हो चाहे फिर हमारा ये, अच्छा ये टेंट है आपके, अच्छा ये टेंट थे और या फिर जो रूम हमने दिखाए हुए हैं सारे के सारे, ये जो ऊपर की तरफ को जो रूम है ये सारे इन्हीं की बात आप कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ जी सर। तो उसमें हम जो पर टेंट देते हैं जो रूम देते हैं वो अभी 5000 के आसपास, अच्छा आसपास नहीं मतलब 5000 5000 रहता है। कितने लोग रह सकते हैं एक रूम में? डिपेंड करता है मतलब आसपास, इसलिए बोला क्योंकि जो हमारे जो कैंप है कैंप के अंदर जो जो टेंट है टेंट की जो बेड की कैपेसिटी है उसमें 4 या 5 लोग आ जाते हैं। अच्छा तो 4-5 लोग को मैं 5000 पे नहीं हो पाता संभव, इसलिए नहीं हो पाता हाँ, हाँ, क्योंकि फिर उसमें exactly, इंक्लूसिव फूड भी होता, फूडिंग भी है। कितने टाइम का? अच्छा मान लीजिए 5000 में, मतलब मैं ये मान के चलूं कि अगर 2 लोग आ रहे हैं तो एक रूम हम उनको दे देंगे 5000 में। हाँ जिसमें कि हम आपका 2 टाइम का आपका जो ब्रेकफास्ट है, एक तो ब्रेकफास्ट और शाम को आपका डिनर। अच्छा ब्रेकफास्ट और डिनर आप इसमें देते हैं, मतलब ये 5000 में इंक्लूडेड है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लंच इसमें आपने नहीं बताया? हाँ लंच एक्चुअली क्या है कि लोग यहाँ से दिन भर रात से बताएं तो काफी प्लेजेंट रहती है, हाँ। इवनिंग काफी प्लेजेंट रहती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दिन में क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कहीं बोर ना हो जाए तो वो नैनीताल वगैरह मूव कर जाते हैं। अच्छा वो घूमने निकल जाते हैं या ऊपर जो हम ये दिखा रहे हैं आपको यहाँ से बिड़ला की तरफ, बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल में है तो वहां पे भी एक पैदल रास्ता जाता है तो लोग ट्रैकिंग पे भी इस पे चले जाते हैं। तो जनरली लंच आप नहीं रखते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर मैं आता हूँ और मेरे को लंच जरूरत है तो क्या आप बना देंगे डिमांड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फिर ऑन डिमांड हम अवेलेबल करवाते हैं। अच्छा वेज नॉन वेज दोनों ही चीज प्रोवाइड करते हैं? नॉन वेज तो हम आपको शाम को प्रोवाइड करवाते ही है शाम को। चलिए बहुत बढ़िया है, व्यूअर्स को अच्छा भी लगेगा, आई होप कि इसको देखने के बाद काफी लोग इधर अट्रैक्ट भी होंगे क्योंकि बहुत बढ़िया बहुत सुंदर ये पहले से हो चुका है। मैं तो काफी समय बाद आया हूँ। तो नाइट में यहाँ जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा आग वगैरह जला के रखें, नहीं तो ठंडा बहुत हो जाता है, उसलिए थोड़ा बचना पड़ता है। ठंड काफ़ी हुई इधर चौखम्बा में। खूब पैसा लगाने के बाद अब माई 11 सर्किल से कुछ पैसा वसूलने की तैयारी है क्योंकि ड्रीम 11 में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अच्छा वहाँ लग चुके हैं या कुछ बचे हुए हैं इनके? ओह और 2 भाई अंदर अभी रॉलेट में 5000 लुटा कर अंदर बैठे हैं, थोड़े से उदास भी दिख रहे हैं लेकिन फिर 5000 डाले हैं। बच्चे को डरा दे रहा है। ऑडियंस माई सर्किल 11